तो ये है नॉइस का कलर फिट स्मार्ट वॉच। ये फ्लिपकार्ट पे 1999 पे अवेलेबल है। ये मेरे एक दोस्त का स्मार्ट वॉच है, आज हम इसी का ही रिव्यू करेंगे। वो बहुत दिन से इसको यूज कर रहा है, तो इसका अच्छा बात ये है कि इसका जो ओरिजिनल यूजर्स क्वालिटी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो बैटरी आउटपुट कैसा है, क्वालिटी कैसा है वॉच का, ये बहुत ही डिटेल में आप यहाँ पर जान सकते हो। तो बिना किसी देरी करके वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट टू डिजिटल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अगर बाद में अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। आप वॉच को देख सकते हो, वो लगभग 3 महीने से इसको यूज कर रहा है। ये जो वॉच का डायल है ये पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है, देखने में ये प्लास्टिक और ग्लास जैसा लगता है। और ये जो स्ट्रैप है ये सिलिकॉन का बना हुआ है। स्ट्रैप का क्वालिटी भी बहुत ज्यादा खास नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हो छोटा छोटा दाग हो गया है यहाँ पर, और यहाँ से ये फट भी चुका है। आप इसको यहाँ से ऐसे खोल सकते हो और बड़ी आसानी से इसको लगा भी सकते हो। आपको यहाँ पर 1.69 इंचेस का LCD फुल टच डिस्प्ले मिल जाता है, और ये IP68 वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है। और आप इसको 5 कलर के साथ यूज कर सकते हो, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड और व्हाइट। इसका जो बेल्ट का क्वालिटी है ये एवरेज सा है, बहुत ज्यादा खास भी नहीं है और बहुत फालतू भी नहीं है। पीछे यहाँ पर आपको मैग्नेटिक चार्जिंग का पोजीशन मिल जाता है, और ये एक बटन है, ऊपर से स्वैप करोगे तो नोटिफिकेशन आपको खुल जाएगा। आप यहाँ पर कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस सब का नोटिफिकेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। आप यहाँ से ही म्यूजिक को प्ले और पॉज कर सकते हो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आप यहाँ से कर सकते हो। स्ट्रेस लेवल आप यहाँ से नाप सकते हो। हार्ट बीट को बहुत ही अच्छे से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। और सारा दिन का जो एक्टिविटी होता है वो सब कुछ आप यहाँ से एक एक करके चेक कर सकते हो। नीचे की तरफ स्वाइप करने से यहाँ पर कुछ ऑप्शंस खुल जाता है फोन के स्टेटस बार की तरह, जैसे ब्लूटूथ कनेक्शन, ब्राइटनेस लेवल, बैटरी सेवर को ऑन कर सकते हो, ब्राइटनेस लेवल को अप डाउन कर सकते हो, फ्लैश को ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ से ही डू नॉट डिस्टर्ब मोड को यूज कर सकते हो, और यहाँ से ही सेटिंग्स पे जा सकते हो। होम स्क्रीन पे होने के बाद ये बटन को दबाने से मेनू जैसा कुछ खुल जाता है। यहाँ से आप वर्कआउट, म्यूजिक, फ्लैश, रिमाइंडर, सेटिंग्स सारा कुछ एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ से आप 150 प्लस क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस यूज कर सकते हो। और यहाँ से आप वर्कआउट पे जाके 60 स्पोर्ट्स मोड्स यूज कर सकते हो। बड़ी आसानी से आप इसको एक एक करके चेक करके यूज कर सकते हो। और इस पे जो हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है, मतलब नॉइस हेल्थ करके जो सिस्टम है, उस पे आप एक्टिविटी चेक कर सकते हो, स्लीप मॉनिटर कर सकते हो, ऑक्सीजन लेवल नाप सकते हो, हार्ट रेट चेक कर सकते हो, ऐसे करके और भी कुछ ऑप्शन आप यहाँ से यूज कर सकते हो। यहाँ से आप अलार्म लगा सकते हो, स्टॉपवॉच को यूज कर सकते हो, रिमाइंडर दे सकते हो, और भी कुछ ऑप्शन शायद यहाँ पर है। अगर आप इसको डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे तो और भी बहुत कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर बात करें इसका बैटरी लाइफ के, तो स्पेसिफिकेशन वाइज आपको यहाँ पर 15 दिन का बैटरी लाइफ मिलेगा, लेकिन जो रियलिटी है आप इसको 10 से 12 दिन बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो ओवरऑल क्वालिटी की अगर बात करूँ तो वॉच अच्छा है, लेकिन ये जो वॉच का स्ट्रैप है ये बहुत ही बेकार क्वालिटी का है। कुछ दिन यूज करने से ही ये डैमेज होना स्टार्ट कर दिया है, आप यहाँ से देख सकते हो। इसके सिवा वॉच में कोई दिक्कत नहीं है, वॉच बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पर्सनल चॉइस का पॉइंट आ जाता है। इसका जो स्क्रीन है ये फ्लैट स्क्रीन, 1.69 इंच का फ्लैट स्क्रीन है, लेकिन आजकल का जो बोट या फिर फायरबोल्ट या फिर और कोई दूसरे कंपनी का स्मार्ट वॉच का जो स्क्रीन होता है वो कर्व डिस्प्ले होता है, 2.5D कर्व या फिर थोड़ा सा भी कर्व होता है डिस्प्ले, और इसमें वैसा कुछ नहीं है, एकदम फ्लैट डिस्प्ले है। तो ये मेरे ख्याल से, मेरे पसंद के हिसाब से ये अच्छा नहीं है, मुझे ऐसा डिस्प्ले अच्छा नहीं लगता, मुझे कर्व डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले पसंद है, इसमें भी आपका काम चल जाएगा, तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हो। और अगर 2000 के अंदर और अलग सा कोई स्मार्ट वॉच आप लेना चाहते हो उसको भी ले सकते हो। इससे पहले मैं एक दो स्मार्ट वॉच का रिव्यू किया है, उसको भी आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार चेक जरूर करना। तो आज के वीडियो में यही था। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।